प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हैलाइड फ्रॉम अल्कीन, यानी अल्कीन से अल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन करेंगे बच्चों। अब अल्कीन में हम लोग ले लेते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन CH2 यानी इथिलीन हो गया, CH2 हो गया डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करवाएंगे HX से, है ना, यानी ये हो गया एडिशन रिएक्शन है, एडिशन ऑफ HX, है ना। तब यहां जो है बच्चों डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जब ब्रेक करेगा तो दोनों पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो एक पर H चला जाएगा और दूसरे पर X चला जाएगा, दोनों तरफ तो सेम है तो इसमें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। CH3 CH2 यहां रहा X। अब यहां थोड़ा सा समझ लीजिए, X जो है इसके जगह पर या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या फिर आयोडीन होगा, है ना। अब यहां बच्चों HX बना रहा है यानी हाइड्रोजन हैलाइड, तो यहां बनेगा HCl HBr HI, है ना। यहां थोड़ा सा रिएक्टिविटी को देख लीजिएगा, रिएक्टिविटी तो कहता है कि जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा हो उसका बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, उसमें एनर्जी कम लगता है, यानी HI होगा तब ये होगा। अब हम लोग लेते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन को, है ना। अनसिमेट्रिकल अल्कीन है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कहेंगे प्रोपीन। यहां समझने वाली बात है बच्चों, इसका रिएक्शन किसी से भी करवा लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो HI को ले आइए, है ना। अब यहां बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां चूंकि पाई इलेक्ट्रॉन है तो ब्रेक तो करेगा ही, तो एक पर जो है हाइड्रोजन जाएगा और दूसरे पर आयोडीन जाएगा। अब यहां सवाल क्रिएट होता है कि पॉजिटिव पार्ट किस कार्बन पर जाएगा, तो कहता है यहां एक मार्कोवनिकोव्स रूल है, वो कहता है कि पॉजिटिव पार्ट्स आर एडेंडम विल गो टू द कार्बन एटम व्हिच कैरीज द मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम, जिस कार्बन पर अधिक हाइड्रोजन एटम है उस कार्बन से पॉजिटिव पार्ट यानी हाइड्रोजन ऐड होगा, तो यहां होगा बच्चों CH3 CH, यहां हो जाएगा आपका I, यहां हो जाएगा CH3। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट कर देते हैं, है ना, इसके अगेंस्ट कर देते हैं पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर ऐड कीजिए जिस कार्बन पर मिनिमम है, तो ये बना लेगा आपका CH3 CH2 CH2 Br। लेकिन प्रोडक्शन तो दोनों होगा बच्चों, है ना, लेकिन मेजर प्रोडक्ट आपका ए होगा और बाकी तो हम लोग मेजर मैकेनिज्म में देखेंगे, ए माइनर होगा, बहुत कम मात्रा में प्रोडक्शन होगा। इसका नाम लिख दीजिए टू आयोडो प्रोपेन, अरे हो जाएगा आयोडो प्रोपेन, यानी यहां जो है बच्चों यहां लिख दीजिए मार्कोवनिकोव्स रूल, है ना। अरे रूल क्या कहता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन लाना है तो इस रूल को फॉलो करना होगा। अरे रूल कहता है
कि पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर ऐड होगा जिस कार्बन पर पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। इसको छोड़ देंगे क्योंकि इस तो अस्टेबल है, बॉन्ड तो ब्रेक यहाँ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है दोनों कार्बन पर है। अब बच्चों इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। मैकेनिज्म बहुत आसान है, सिर्फ आपको देखने की आवश्यकता है और एक बार देख लेंगे तो भूलने की चांस कम है। अब बच्चों यहां है एच आई, इसमें दो एलिमेंट है ना, दो एलिमेंट। आयोडीन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा तो यहां एच प्लस हो गया और यहां आई माइनस हो गया। अब एच प्लस है तो स्वाभाविक है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये अटैक करेगा, यहां ध्यान दीजिएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए इसको जो है बच्चों हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन तो ऐड हो रहा है तो देख ही रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहां होता है कि यहां जो है पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, इलेक्ट्रॉन तो दोनों में कमी हो रही है ना, और ये दो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो बारी बारी से होगा, यानी CH3 यहां हो जाएगा CH3, इस पर प्लस आ जाएगा, यहां हो जाएगा CH3, दूसरा कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 और यहां जो है प्लस हो जाएगा। यानी ये जो बन रहा है बच्चों कार्बो केटायन है ना, और कार्बो केटायन की स्टेबिलिटी अगर देखें तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 1 डिग्री। इसको याद रखेंगे, ऐसा क्यों होता है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट को दर्शाता है, और आई इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब यहां देखिए इस कार्बन पर दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यानी स्टेबिलिटी इसका अधिक होगा। यहां देखिए यहां से सिर्फ ये देगा है ना, जैसे जैसे बढ़ेगा है ना प्लस आई इफेक्ट घटना शुरू हो जाएगा, यानी इसमें एक ग्रुप देने वाला, इसमें क्या है दो ग्रुप देने वाला, टर्शियरी में क्या हो जाएगा तीन ग्रुप देने वाला होगा है ना, यानी टर्शियरी का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, यानी उसके बाद सेकेंडरी का होगा। अब यहां जो है बच्चों सीएल माइनस अटैक करेगा, सीएल माइनस नहीं आई माइनस अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH3 CH, यहां लटका दीजिए आई, यहां हो जाएगा CH3 यानी 2 हाइड्रोप्रोपेन। यहां इस पर अटैक करेगा आई माइनस, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2, यहां हो जाएगा आई। ये जो है आपका माइनर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट, अरे जो है आपका मेजर, वो तो ऊपर लिखा हुआ है बच्चों मेजर प्रोडक्ट। कितना आसान है बच्चों, इसीलिए कहते हैं रेगुलर वीडियो देखते रहिए। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।